हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंटर लर्निंग अकेडमी वी आर बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास थ्री एन सी आर टी इंग्लिश यूनिट एट एंड द टाइटल ऑफ द पोम इज वॉट इज इन द मेल बॉक्स सो चिल्ड्रन हैव यू अवर रिटर्न लेटर क्या आपने कभी कोई लेटर लिखा है क्या आपको कभी किसी ने लेटर भेजा है सो इन दिस पोएम

तो चलो देखते हैं ये लड़की क्या कहना चाहती है वॉट इज इन द मेल बॉक्स मोस्ट ऑलवेज वेन द पोस्टमैन कम्स विद लेटर्स टू और थ्री देर आर फॉर माई मदर और माई डैड बट नेवर वन फॉर मी आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू डू And then my friends will answer me and I will get letters too. So, children, what is this little girl telling here? This little, little girl is telling about the letter. Fine? Most always, matlab adiktar, when the postman comes. Who is postman? Postman delivers the letter. You can see in this picture, he is a postman. What is the role of postman, children? The role of postman is that he delivers the letter to us.

एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी अगर मैं किसी को लेटर दूंगी तो ऑब्वियस बात है वो मुझे रिप्लाई तो जरूर करेगा एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू फिर मुझे भी लेटर मिलेंगे नो चिल्ड्रेन दिस लिटिल गर्ल ये कहती है कि जब भी पोस्टमैन आता है वो दो लेटर्स लाता है कई बार वो तीन लेटर्स लाता है वो अधिकतर जो लेटर्स लाता है वो या तो मेरी माँ के लिए लाता है या मेरे पापा के लिए लाता है बट वो मेरे लिए लेटर कभी भी नहीं लाता है सो नो वॉट शी डिसाइड्स अब वो क्या कहती है कि अब तो मैं भी लेटर लिखूंगी अगर मैं किसी को लेटर लिखूंगी तो मुझे भी तो कोई लेटर लिखेगा सो वॉट आर द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्न इन दिस पो लेटर्स ऑलवेज ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा नेवो नेवो का मतलब होता है कभी नहीं दो का मतलब होता है हालांकि एंड लेटर्स का मतलब होता है पत्र चिट्ठी Now reading is fun. Now let's discuss the question answers of this poem. Who does the postman bring letters for? Postman किसके लिए letter लाता है? Postman वो जो child था उसकी mamma के लिए लाता है and उसके papa के लिए लाता है. The postman brings some letters for child's parent. उसके parents के लिए लाता है. उसकी माँ के लिए भी लाता है and उसके papa के लिए भी लाता है. Does the child ever get a letter? क्या कभी किसी ने चाइल्ड को लेटर भेजा है नहीं क्या उसे कभी कोई लेटर मिला है नो द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर उसे कभी भी कोई लेटर नहीं मिला है डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू अब चाइल्ड क्या डिसाइड कर रहा है उसे क्या करना चाहिए वो जो छोटी सी गर्ल थी वो क्या डिसाइड कर रही है वो अब ये डिसाइड कर रही है कि अब से मैं भी लेटर लिखूंगी अगर मैं लेटर लिखूंगी तो मुझे भी तो कोई लेटर लिख के मुझे वापस सेंड करेगा और मैं उसका रिप्लाई का मैं उसका वेट करूंगी द चाइल्ड डिसाइड्स टू राइट द लेटर टू हर फ्रेंड्स विद द होप ऑफ रिसीविंग अ रिप्लाई फ्रॉम देयर एंड टॉक टाइम चलो बातें करते हैं कुछ हैव यू रिटन लेटर्स क्या आपने कभी कोई लेटर लिखा है ये आई हैव रिटन लेटर्स जब मैं बहुत छोटी थी जब तो हम लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था वो तो मोबाइल तो अभी आने लगा है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग लेटर्स के थ्रू अपनी मैसेज भेजा करते थे यस आई हैव रिटर्न लेटर्स हैव यू हु हैव यू रिटर्न लेटर टू आपने किसके लिए लेटर लिखा है मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए लेटर भेजा है मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लेटर लिखा है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अंकल के लिए अपनी आंट के लिए सभी के लिए लेटर लिखा है हु वुड यू लाइक टू राइट टूडे आज आप किसके लिए लेटर लिखेंगे आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए लेटर लिखूंगी वाई बिकॉज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड

उसके ग्रैंडफादर ने उसे गिफ्ट भेजा था नाउ इन रिटर्न ही वांट्स टू राइट अ थैंक यू लेटर फॉर हिज ग्रैंड फादर सबसे पहले ही हिज एड्रेस हाउस नंबर दरियागंज न्यू दिल्ली एंड पिन कोड भी लिखा यहाँ पे दैट इज वन वन जीरो 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 सेवन नेक्स्ट ही डेट कब लिखा था उसने लेटर टू थाउजेंड सिक्स में वन ही 2006 25th january 2006 now dear grandfather priya dadaji thank you for the beautiful book of Panchatantra stories you will be happy to know that i read one story every day now this devu he is right he has written a letter to his grandfather thanking him for the birthday gift as a birthday gift what did he receive he received a Panchatantra story book and he is saying thank you to his grandfather and he also says that he reads one story every day after that he has written with love devo let's write now write a letter to your friend telling her about your school you can use some of these words now we have to write the letter kisse friend ko apna koi bhi friend ho letter hai and we you have and we also have to use some of the words which are given in the clue box. So, let us read the words classrooms, children, bell, blackboard, teacher, and building. So, children, using these words, we have to write a letter. So, I have written a letter in the next page. Subsepele, I will discuss what are letters. लेटर्स हम किसे लिखते हैं मैंने अभी बताया था देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स एक होता है आपका फॉर्मल लेटर जिसे हम प्रिंसिपल को लिखते हैं स्कूल की टीचर के लिए लिखते हैं ऑफिसर्स के लिए लिखते हैं मैनेजमेंट के लिए लिखते हैं या एडिटर के लिए लिखते हैं एंड अदर लेटर इज इनफॉर्मल लेटर वॉट आर इनफॉर्मल लेटर्स हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स किसे लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स वी राइट टू आर फ्रेंड्स फैमिलीज कजिन्स रिलेटिव एंड आर पेरेंट्स Now, informal letter. It is a letter that is written in a casual manner. बहुत ही casual manner में इसे लिखा जाता है बहुत ही simple language में We write informal letter to our cousins. हम informal letter किसे लिखते हैं Cousins को Just a second. Let me change the color of the pen. We write informal letter to our cousins. और किसे लिखते हैं Relatives को लिखते हैं family को लिखते हैं and friends को लिखते हैं Fine children.

इनफॉर्मल लेटर्स में जो हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं इट शुड बी मिनिमम टू लाइन्स एंड मैक्सिमम थ्री लाइन्स नेक्स्ट वी हैव टू राइट द डेट डेट कैसे लिखेंगे इज़ नाइनटीन नवंबर सो विल राइट नवंबर 1921। हम लोग इसे ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं या 19 नवंबर 21। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यूजुअली चिल्ड्रन आप लोग आपकी कॉपीज में ऐसा लिखते होंगे सभी so, लोग आपकी नोटबुक्स में आप लोग डेट ऐसे लिखते हैं बट जब हम लोग कोई लेटर लिखते हैं तो हम लोग डेट ऐसे यूज नहीं करेंगे इनस्टेट विल राइट द डेट लाइक दिस मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन नवम्बर टू या तो हम इसे ऐसे लिखेंगे या तो हम इसे ऐसे लिखेंगे बोथ आर करेक्ट फाइन चिल्ड्रेन नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे कि ये डियर लिखा है मैंने डियर गिन्नी डियर फादर डियर मदर डियर अंकल डियर एंड फाइन और गिन्नी इज माई फ्रेंड इसलिए मैंने गिन्नी का नाम लिया है आप यहाँ पे आपके फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डियर आरती डियर राहुल डियर मा डियर पा डियर अंकल डियर एंड फाइन नेक्स्ट वी हैव बॉडी ऑफ द लेटर What इज द children? दिस इज अ बॉडी ऑफ द लेटर फाइन नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री क्लोस इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोथस फाइन children. एक बार मैं और आपको समझा देती हूँ अच्छे से ये हो गया आपका सेंड address. एड्रेस मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी हुई है वाई डिड आई लीव वन लाइन मैंने यहाँ पे लाइन इसलिए छोड़ी है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और जो अपना लेटर है शुड लुक वेरी लेजिबल लेजिबल का मतलब होता है बहुत ही नीट एंड क्लीन Fine. After writing the sender's address, मैंने एक लाइन डेट मैंने कैसे सिखाया आपको date आपको ऐसे लिखना है या तो ऐसे लिखना है मैंने ऐसा लिखा है अगेन आफ्टर के बाद एक लाइन और छोड़नी है क्यों छोड़ रहे हम लोग लाइन बीच में सो so दैट जो हमारा लेटर है वो बहुत ही लिजिबल लगे बहुत ही नीट एंड क्लीन लगे देन वी हैव सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन में आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं आप अगर आप सिस्टर को लेटर लिख रहे हो तो उसका नाम लिख सकते हैं अंकल आंट फादर मदर ब्रदर ग्रैंड फादर फाइन आफ्टर दैट विल दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर एंड दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आई होप चिल्ड्रन आज आपने सीखा होगा कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग दिस लेटर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था वी हैव टू यूज दिस क्लोज पे कौन कौन से क्लूस दिए हुए थे क्लास रूम चिल्ड्रेन बेल ब्लैक बोर्ड टीचर एंड बिल्डिंग नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग द लेटर दिस इज द एड्रेस लोटस विला साकेत इंदौर एम पी मैं इंदौर से हूं तो मैंने यहाँ पे इंदौर लिखा है अगर आप मुंबई से हो तो आप मुंबई लिखो कर्नाटका से हो तो कर्नाटका लिखो लखनऊ डेली वॉटवर नेक्स्ट वी हैव टू लीव ऑन लाइन मैंने अभी आपको सिखाया था हम लोग लाइन बीच में क्यों छोड़ते हैं ताकि जो हमारा लेटर है बहुत ही साफ सुथरा लगे बहुत ही लेजिबल लगे नेक्स्ट आई हैव रिटर्न द डेट मैंने अभी आपको सिखाया था डेट कैसे लिखते हैं या तो डेट ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे लिखा जाता है नेक्स्ट सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन में मैं अपनी फ्रेंड का नाम लिख रही हूँ एंड माई फ्रेंड्स नेम इज़ गिनी नाउ दिस इज द पॉडी ऑफ द लेटर हाउ आर यू डूइंग सबसे पहले हमें उसका हाल चाल पूछना चाहिए फिर आप बताओ कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ आई एम प्रिटी वेल आई एम प्रॉन्टाउट डियर हाउ आर यू डूंगूज बिल्डिंग देर आर मेनी क्लास रूम्स इन माई स्कूल school स्कूल my हैज my my teachers टीचर्स encourage द the children. Our classrooms आर वाइब्रेंट

टीचर यूज किया मैंने ब्लैक बोर्ड यूज किया एंड मैंने बिल्डिंग भी यूज किया है आप इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको यही वाला लिखना है आप लोग अपने मन से भी लेटर लिख सकते हैं फाइन चिल्ड्रन आप लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेटर लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है आई होप आज आप लोगों ने सीखा होगा कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड वर्ड बिल्डिंग हियर आर सम पीपल हु हेल्प अस लेट्स ट्राई मैचिंग ए विद बी सो चिल्ड्रेन

कॉबलर कौन होता है जो आप मोची जो हमारे शूज ठीक करता है जो हमारी चप्पल्स ठीक करता है उससे हम क्या कहते हैं ही इज कॉल्ड एज कॉबलर कॉबलर क्या करता है कॉबलर मेंड आर शूज कॉबलर क्या करता है कॉबलर मेंड आर शूज नेक्स्ट वी हैव अ लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन क्या करता है लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में वर्क करता है ही वर्क्स इन अ लाइब्रेरी और शी वर्क्स इन अ लाइब्रेरी नेक्स्ट वी हैव अ ड्राइवर ड्राइवर क्या करता है ड्राइवर तो कार चलाता है सो अ ड्राइवर अ मोटर व्हीकल कार ही नहीं आपका टैक्सी भी चलाता है आपका बस भी चलाता है एंड ट्रक भी फाइन नेक्स्ट अ ड्रामेटिस्ट ड्रामेटिस्ट क्या करता है ड्रामेटिस्ट लुक्स ऑफ्टर सॉरी ड्रामेटिक्स राइट्स प्ले ग्रामेटिक्स क्या करता है छोटे छोटे जो प्ले रहते हैं उसे लिखता है नेक्स्ट वी हैव अ टीचर टीचर क्या करती है सभी को पता है टीचर तो स्कूल में पढ़ाती है अ टीचर टीचर्स इन स्कूल टीचर क्या करती है चिल्ड्रेन अ टीचर टीचर्स इन स्कूल अब नर्स क्या करता है नर्स ने देखा होगा आपने नर्स कहाँ पे रहती है हॉस्पिटल में रहती है वो क्या करती है वो पेशेंट्स की देखभाल करती है एंड थोड़ा सा डॉक्टर की भी हेल्प करती है सो विल मैच अ नर्स लुक्स

क्लाउन क्या करता है क्लाउन तो हमें हंसाता है क्लाउन का मतलब होता है जोकर जोकर का काम क्या होता है वो हमें हंसाता है फाइन चिल्ड्रेन सो दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस I hope you have understood this and I also hope that you have understood the informal letter. That's all for today children. I hope you have enjoyed this poem and also learned the format of informal letter. We'll meet you soon with the new video. Till then bye. Take care and stay blessed. Thank you. Happy Guru